हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, अ वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ बिहार में जो आपकी वैकेंसी आई थी अप्रॉक्सिमेटली 8000 प्लस, जिसका केस है पटना हाईकोर्ट में, एक ऑफिशियल अपडेट आया है कोर्ट की तरफ से ही अपडेट है ये, ठीक है। और ये अपडेट डिपार्टमेंट को दिया गया है, और किस डिपार्टमेंट को दिया गया है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। आपके साथ जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो आज के न्यूज़पेपर दैनिक जागरण में आया है, पटना वाले में, ठीक है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बंदोबस्त पदाधिकारी यानी कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की नियुक्ति पर लेकर है, जिस पर रोक लग गई है। आपको पूरा आर्टिकल पढ़ के सुनाते हैं और एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्या इसका मायने है, और जो आपका विशेष सर्वेक्षण अमीन, स्पेशल सर्वे अमीन पर इसका क्या इफेक्ट होगा, और जो 17 अक्टूबर को इसकी हेयरिंग है पटना हाईकोर्ट में, इसका क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ठीक है, किसके फेवर में जा सकता है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। हाईकोर्ट ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जो पटना हाईकोर्ट है उसने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति पत्र हासिल कर चुके विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने से रोक दिया गया है। ये कौन से कैंडिडेट हैं? ये वो कैंडिडेट हैं जो कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, जिनको नियुक्ति पत्र हासिल हो चुका है, लेकिन इनको पदभार ग्रहण करने से रोक दिया गया, यानी कि इनको ज्वाइनिंग नहीं लेने दिया जा रहा है, ठीक है। विशेष सर्वेक्षण के लिए हो रही बहाली पर अंतिम निर्णय, जो ये विशेष सर्वेक्षण पर बहाली हो रही है, इसका अंतिम निर्णय इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 13 नवंबर के बाद ही हो पाएगा, ठीक है। अंतिम निर्णय कब हो पाएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, 13 नवंबर के बाद ही हो पाएगा। जो इस आर्टिकल में है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्लियरिटी के साथ, 13 नवंबर के बाद ही हो पाएगा। न्यायमूर्ति चकधारी शरण सिंह के एकल पीठ ने याचिका के निष्पादन तक सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की बहाली के बारे में कोई भी फैसला न लेने के आदेश राज्य सरकार को दिया है। यानी कि जो पटना हाईकोर्ट है उसने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया है कि जब तक कोई फैसला ना आ जाए राज्य सरकार कोई भी एक्शन नहीं लेगा, कोई भी बहाली से रिलेटेड कोई फैसला नहीं लेगा, यानी कि उनको कोई भी फैसला नहीं लेना है बहाली से रिलेटेड। इसी बीच राज्य सरकार के प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है, और जो राज्य सरकार है उन्होंने कहा है कि आप शपथ पत्र दाखिल कीजिए, ठीक है। मालूम हो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पाँच से अधिक पद, जैसे कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अमीन, विशेष सर्वेक्षण अमीन, इस प्रकार के पांच पद थे जिसमें 8000 पोस्ट थी, ठीक है। तो वही आर्टिकल भी बोल रहा है कि पांच से अधिक पद पर 8000 लोगों की बहाली करनी है, ठीक है, कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। SSO के पद के लिए रिजल्ट की घोषणा कर दी गया है, अन्य पदों का रिजल्ट तैयार है, यानी कि आपका, यानी कि विशेष सर्वेक्षण अमीन जो भी कैंडिडेट हैं इनका रिजल्ट तैयार है, लेकिन बहाली की प्रक्रिया को चुनौती देने वालों की करीब 1.5 दर्जन याचिकाएं हैं, यानी कि 1.5 दर्जन यानी कि 18 याचिकर्ताओं का वो पड़ा हुआ है, ठीक है, याचिका पड़ी हुई है। याचिकर्ताओं को लंबित रहने के कारण इसे घोषित नहीं किया जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था राजस्व एवं भूमि सुधार से रिलेटेड। आपका कोई भी क्वेरीज हो, डाउट हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के लिए आपको सर्च करना है स्टैक गुरुजी, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप ओपन है, आप ओपन उसमें चैट कर सकते हैं। आपको सभी डॉक्यूमेंट्स, फाइल, PDFs और कोई भी सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।